आपका धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब इस विषय 193 के तहत माननीय सदस्य करुणाकरण जी ने इसका नोटिस दिया था, उसके और उस पर जब चर्चा का मामला आ रहा था, उसके विपरीत आज जब ये चर्चा हो रही है तो परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं। देश के कई भागों में भारी मात्रा में ओलेवृष्टि और अतिवर्षा और ओलेवृष्टि के कारण सारी बहुत फसलें बर्बाद हुई हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश से आता हूं और मैं आपको मध्य प्रदेश के बारे में कहना चाहता हूं कि वहां पिछले 4 सीजन से कई इलाके वहां के, अधिकांश इलाके वहां के पिछले 4 सीजन से बराबर बर्बाद हो रहे हैं। पहले साल 2013 में हमारे खरीफ में सोयाबीन की फसल बर्बाद हुई क्योंकि उस वक्त अतिवृष्टि हो गई थी। उसके बाद फिर रवि फसल में ओला पड़ गए और पिछले साल कम वर्षा के कारण हमारी सोयाबीन की फसल खत्म हुई और अब इस साल फिर हम पर एक विपदा आई है। मैं माननीय मंत्री से कहना चाहूंगा कि उन्हें नेशनल डिजास्टर NDMS के तहत इस मामले को लेकर के पर्याप्त मात्रा में लोगों की सरकार की मदद करना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में इतनी विषम परिस्थिति के बाद भी अगर कहीं नुकसान नहीं हो, लोगों ने आत्महत्या कम की है, तो उसका एक बड़ा कारण यह है कि मध्य प्रदेश में जो सरकार है, शिवराज सिंह की सरकार, उसने इस कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। मैं आप और आप सब जानते हैं, ये सदन जानता है कि पिछली बार हम 3 साल से लगातार नेशनल एवरेज से कहीं ज्यादा, कहीं 18%, कहीं 24%, कहीं 12% इस प्रकार का रिटर्न पा रहे हैं खेती में। और इसके चलते वहां लोगों में अभी भी लोग सांत्वना रहती है और लोग, चूंकि उनकी स्थितियां ठीक सुधर रही हैं, इसलिए लोग इतने ज्यादा निराश नहीं हो रहे होते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज इसी संदर्भ में कहना चाहूंगा कि जब हम 193 के तहत इस विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तब हमको इस बात को सोचना चाहिए कि किसी में कुछ दूरगामी में कार्यक्रम हो, किसी को दूरगामी दृष्टिकोण से देखना चाहिए और इसके तहत ये देख करना चाहिए कि कैसे भी लोगों की खेती पर निर्भरता कम हो। एक तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सही बात यह है कि गांव में आज भी चूंकि 54-55% लोग खेती पर निर्भर हैं और खेती का बंटवारा इतना दूर तक हो गया है कि ये किसी भी हालत में खेती एक फायदे का धंधा नहीं रह गया है, फायदे का कार्यक्रम नहीं रह गया है, क्योंकि अनहोल्डिंग जो होल्डिंग्स हैं वे अनइकोनॉमिक हो गई हैं। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ठीक कर रही है भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, के वह जो तमाम सारे उद्योगों को और दूसरे लघु उद्योगों को बढ़ावा देने की दिशा में उद्यत हो रही है, इससे खेती पर निर्भरता कम होगी, जो जनसंख्या दबाव खेती पर है कम, वो कुछ कम होगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि आप कम समय दिए हैं, इसलिए मैं इस बारे में एक बात और कहना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि माननीय मंत्री जी, आपको बहुत दृष्टिकोण से आपकी वर्तमान सरकार का मैं जो समझा हूं, एक पार्टिसिपेटरी सिस्टम लागू करना चाहती है कि आदमी स्वयं अपना पार्टिसिपेट करे और उससे फायदा उठाए। यही बात जो है खेती में भी आपको लागू करना चाहिए। इस बात को ही आपने जैसे तो 1 रुपया का पैसा देकर के, 1 रुपया कोई बड़ी भारी राशि नहीं होती, पर उसको देकर के आम आदमी बीमा करा सकता है, गरीब आदमी बीमा करा सकता है और उसका फायदा उठा सकता है, पर यही सिस्टम असल में आपको लागू करना चाहिए। और यह सिस्टम जब आप लागू करेंगे तब आपको इस देश में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को बहुत दूर तक ले जाकर के लागू होना, किसान को उसको आपको इस बात के लिए तैयार करना होगा कि वो उसमें जुड़ जाए, ताकि जब भी उस पर विपत्ति आए तब वो आपके सामने एक भिखारी के रूप में खड़ा ना हो कि अब हमारी मदद करो, हमको पैसा दो, हमें ये करो, हमारी ये फसल बर्बाद हो गई। उसके सामने उसको ये होना चाहिए, उसको यह आश्वासन होना चाहिए कि वो जब भी उसकी उस पर विपत्ति आएगी, वह चूंकि माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं 2-4 साल अपने सुझाव देना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान में जो बीमा योजना है यह बिल्कुल कारगर नहीं है। इसमें सबसे बड़ा काम मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं माननीय मंत्री जी, एक तो जो बीमा योजना बने उसका अपना अमला होना चाहिए। आज आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट पर निर्भर करते हैं और रेवेन्यू डिपार्टमेंट पर अविश्वास भी करते हैं, आपकी जो योजना को लागू किए हैं
हैं वो उसको अविश्वास भी करते हैं, जिसके चलते समस्या होती है। फिर इसमें जो आज आपकी बीमा योजना है वो एक साल के बाद जाकर के लोगों को फायदा देती है। किसान के पास इतना धन नहीं होता कि वो एक साल तक इंतजार करता रहे, एक साल तक अपना अपने स्रोत सिखाता रहे। तीसरा बात मान्य, इसलिए उसको तत्काल बीमा की राशि मिलनी चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कल कहा था कि दलहन और तिलहन तो आपने जोड़े ही नहीं है, फिर आपने चूंकि आश्वासन दिया है कि आप उसको कवर कर रहे हैं, उसको ले रहे हैं। पर इसके अतिरिक्त माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक खास बात और, दो खास बात और हैं। एक हमारे यहाँ इसमें एक आनाबारी का सिस्टम चलता है, पता नहीं अंग्रेजों ने क्या सोच करके क्या सिस्टम जारी किया था आनाबारी का, जिसका कैलकुलेशन करते हैं वो इतना अनसाइंटिफिक है। और उसमें आपको मैं आपको बता सकता हूँ, उसमें साहब 2 या 3 क्विंटल हो जाए तो वे मानते हैं कि बहुत अच्छी फसल हो गई, जबकि आज के जमाने में 12, 15 और 20 क्विंटल प्रति एकड़ की उपज का जमाना आ गया है। पर उसमें तो उनकी आनाबारी का पुराना नियम है। तीसरा अंतिम बात मैं कहना चाहता हूँ माननीय किसान माननीय मंत्री महोदय से, कि आपने जो यूनिट बनाई है वो बहुत ही फाल्टी है, वो बहुत ही गलत है। जो यूनिट तो आप मानते हैं, या तो आप गांव मानते हैं या पंचायत मानते हैं, किसान का खसरा आपको यूनिट मानना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, हमारा सबका अनुभव है, आपका भी अनुभव होगा, एक जगह पे ओला गिरता है, दूसरे उसी के लगे हुए खेत पे ओला नहीं गिरता। और इस तरह से अगर पूरे गाँव पे ओला गिरे तो किसान को फायदा मिलेगा, अगर पूरा गाँव बर्बाद हो जाए तो किसान को फायदा मिलेगा, यह बात जो है उसका बीमा का फायदा मिलेगा। इस बात को आपको मिटाना चाहिए। राइट राइट।